गायत्री, आप कहाँ से आए हैं? हम न्यूयॉर्क से आए हैं और सर लॉरेंस कॉलेज, हम सर लॉरेंस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं। हमें जब बिल के बारे में मालूम हमें पड़ा था, तो हमने सोचा कि ये क्या हो रहा है। बहुत देर लगी हमें समझने में, हमारे पापा ने, हमारे अंकल ने हमें समझाया, और फिर उसके बाद हमें लगा कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो इन किसानों को कैसे समझ में आएगा, बाहर लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो हमने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री शुरू की है विदेश के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, कि उनको समझ में आए कि यहाँ की सिचुएशन क्या है और उसकी ग्रेविटी समझ में आए। तो आज हमने राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू लिया था, तो उनसे बात करी, और बेसिकली जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं बाहर के, वो उन्होंने भी टिकैत जी से बात करी, हमने ट्रांसलेट किया, उनके बहुत सवाल थे। तो उन्होंने पूछा कि मतलब टिकैत जी आप ये बताइए कि हम वहाँ से आपके रेवोल्यूशन के साथ कैसे जुड़े, कैसे हम साथ दें। तो उन्होंने बताया जी, वो फ़ंड की बात भी करी कि हम फ़ंड भी दे दें, डोनेशन दे दें, यहाँ से खाना भेज दें। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, हर तरीके से मतलब मदद करना चाहेंगे। टिकैत जी ने बोला था कि हम आप वहाँ पे ट्री उगाइए, टी फॉर टिकैत के नाम पे। हमारे हिसाब से हम बस ये बोलेंगे कि किसी टिकैत जी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन टी फॉर टिकैत सही है, लेकिन रेवोल्यूशन सबसे बड़ा है। और इस पर हम ये मौका लेंगे बताने के लिए कि जो गांधी जी थे, उन्होंने हमेशा रेवोल्यूशन को आगे रखा है, और गरीब लोगों के साथ वो बैठे थे, गरीब लोगों की उन्होंने सिचुएशन समझी थी, और कभी अपने आप को आगे नहीं किया, रेवोल्यूशन को आगे किया। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, जो भी लोग इस रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हैं, वो भी रेवोल्यूशन को आगे करें। यहाँ पे नाम इतना ज़रूरी नहीं है जितना रेवोल्यूशन ज़रूरी है, वही भारी है। पढ़ने की उम्र है, स्टूडेंट हैं आप, ऐसा क्या लगा आपको कि आपको भी इस आंदोलन में जुड़ने की आपको जो है सोच आपकी बनी? हम स्टूडेंट हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो ये देश है, अभी अभी इतने सालों में मोदी जी ने जो किया है, धीरे धीरे वो देश को बेच रहे हैं, ठीक है। कॉरपोरेशंस, अंबानी, टाटा, ये सब लोग, ठीक है, ये देश को खरीद रहे हैं। ये अब देश, ये जो हमारी भारत है, ये भारत नहीं रहेगी। तो ये जो किसान कर रहे हैं, ये सिर्फ फार्म बिल्स के लिए नहीं कर रहे, ये जो किसान कर रहे हैं, ये एक्चुअली दीज आर आवर लास्ट सोल्जर स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट। अगर ये हार गए तो हमारा देश हार गया, हमारी भारत माँ हार गई। तो इनकी आंदोलन के साथ हम नहीं, इंडिया ही नहीं, सारे दुनिया को जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया में नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा है, कॉरपोरेशन हर जगह खरीद रही है। और हमें याद करना चाहिए हमारा देश कौन है, हमारे लोग कौन है। आम आदमी ही देश का कल्याण कर सकता है, आम आदमी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। और गांधी जी, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, वो उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, तो गांधी जी के फॉलो करिए फुटस्टेप्स,